हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ फ्रेश न्यू व्लॉग। आई होप एवरीबॉडी इज़ डूइंग गुड। और जैसा कि आप लोग को पता है कि मैं अभी न्यू जर्सी में हूँ, और अगर आप न्यू जर्सी आए और आपने अक्षरधाम नहीं देखा तो क्या फ़ायदा। तो आज मैं अक्षरधाम दर्शन करने जा रहा हूँ, और मैं और मेरे रूममेट्स ना, हम लोग हमेशा बात करते थे कि यार अक्षरधाम जाना है, दर्शन करना है। सो फॉर दोज ऑफ यू हु डोंट नो वट अक्षरधाम इज़, इट इज़ द वर्ल्ड्स सेकेंड लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल विच इज़ सिचुएटेड हियर इन न्यू जर्सी, एंड इसकी ओपनिंग आई थिंक अक्टूबर में ही हुई थी। तो आई एम वेरी एक्साइटेड कि आज वहाँ पर जाने मिल रहा है, एंड वेरी फॉर्चुनेट इनफ टू टेक यू गाइज विथ मी। तो अभी बस निकलेंगे हम लोग थोड़ी देर में, अभी बज रहे हैं दोपहर के 2, और अराउंड 1 घंटा लगेगा यहाँ से पहुँचने के लिए। तो 3 साढ़े 3 तक वहाँ पर पहुँचेंगे, दर्शन वर्शन करेंगे, और अच्छे से आई होप मैं व्लॉग कर सकूँ और आप लोग को भी दिखा सकूँ। तो येस, चलो चलते हैं। तो येस, एक सवाल जो सब लोग पूछते हैं कि यहाँ पर ठंड कैसी है, तो कैलिफोर्निया के कंपैरिजन में यहाँ पे ठंड थोड़ी ज़्यादा लगती है, बिकॉज़ जिस दिन मैं आया था उस दिन -2 degrees था, और फिर कल आई थिंक 3 या 4 degree था। एंड द ओनली रीज़न कि अभी मैं विदाउट जैकेट या विदाउट स्वेटर हूँ इज़ बिकॉज राइट नाउ इट इज़ अराउंड 8 या 9 degrees, एंड फॉर सम रीज़न अभी बॉडी अकस्टम हो गई है कि अगर 8, 9 या 10 degree है तो आपको स्वेटर या हुडी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो येस, ये है, मतलब यहाँ पे थोड़ी ठंड ज़्यादा लगती है बिकॉज़ यहाँ पे विंडी ज़्यादा है। हेवर्ड में भी टेम्परेचर सिंगल डिजिट में जाता है, 2-3 degrees तक जाता है, बट वहाँ पे इतना विंडी नहीं होता है। तो बिकॉज ऑफ विंड यहाँ पे ठंड थोड़ी सी ज़्यादा लगती है, बट सो फार सो गुड एंड एन्जॉइंग द क्लाइमेट।
सो दिस इज़ द वेलकम सेंटर. आप जब एंटर करते हो तो बाहर पूरा बहुत बड़ा पॉन्ड बनाया हुआ है और कुंड बोलते हैं, कुंड बनाया हुआ है, उसके बाजू में वेलकम सेंटर है. तो वेलकम सेंटर में यहाँ पे ये लोग सब आप लोग को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि कहाँ पे आप कैसे दर्शन करने जाना है, व्हाट आर द वेज. मतलब बहुत बड़ा है तो मतलब आपको समझ में नहीं आएगा कि कहाँ पे कैसे कैसे जाना है. तो वेलकम सेंटर में पूरा इन्होंने देर आर आई थिंक 4 ओरिएंटेशन थिएटर और यहाँ पे हर ओरिएंटेशन थिएटर में पूरी स्टोरी बताते हैं कि अक्षरधाम क्या है, इसके पीछे की स्टोरी क्या है, बैक स्टोरी सब बताते. एक अच्छी सी वो लोग ने छोटी सी डॉक्यूमेंट्री बनाई हुई है तो हम लोग ने वो पूरा अभी देखा. एंड अभी उसके बाद अभी हम लोग यहाँ पे टूर के लिए रुके हैं तो आई थिंक 4 o'clock को टूर चालू होगी. तो वो टूर के साथ हम लोग जाएंगे और देखेंगे कि कहाँ पे क्या क्या है. तो वेलकम सेंटर है और फिर इसके बाहर वेलकम सेंटर के एग्जिट से आप लोग को मंदिर आएगा. मंदिर के बाहर का मैं रिकॉर्ड कर पाऊँगा लेकिन ऑफ कोर्स अंदर का मैं रिकॉर्ड नहीं करूँगा. बट अगर आप न्यू जर्सी में हो तो डेफिनेटली यहाँ पे आओ. दिस बिहाइंड मी इज़ द महामंदिर जिसको बनने में 12 साल लग गए. एंड ये इतना बड़ा एरिया है. आई जस्ट गिव यू गाइज अ विजुअल टूर. सो दैट राइट देयर इज़ द हवेली वेर यू कम मेन एंट्रेंस. एंड वहाँ से जब आप निकलोगे तो यहाँ पे एक छोटा मंदिर है, यहाँ पे आप दर्शन करके बाहर आओगे. और दिस राइट बिहाइंड मी इज़ द महामंदिर जहाँ पे अभी मैं दर्शन करने जाऊँगा. हाँ, अंदर कहीं पे भी आप ऑफकोर्स फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी नहीं कर सकते, बट इट इज़ रियली ब्यूटिफुल. एंड एक और चीज़, मैंने जो भी शॉट्स लिए हैं, जो भी मैं ये व्लॉग में दिखाने वाला हूँ, वो सब ऑफिशियली मैं परमिशन लेके एकदम लीगली दिखा रहा हूँ. तो देर इज़ नथिंग कि मैं छुपके से कुछ रिकॉर्ड कर रहा था, ऐसा कुछ नहीं है. एंड यहाँ पे लोग भी काफ़ी अच्छे आपको समझाते हैं. पूरी एक टूर है बट वो टूर एक्चुअली बहुत बड़ी है तो वी डिड नॉट फॉलो द एंटायर टूर. हाँ, थोड़ा आधा तक हम लोग ने टूर फॉलो किया, उसके बाद हम लोग खुद देखने निकल गए. तो अभी ठंड भी बढ़ रही है तो मैं अंदर जाऊँगा दर्शन करके फिर फटाफट निकल जाएंगे. तो महामंदिर से निकल के आप बाहर आओगे तो आपको कैफ़े का ऑप्शन मिलेगा और अक्षरधाम स्टोर का ऑप्शन मिलेगा. दोनों कनेक्टेड ही है तो वो भी चेकआउट कर सकते हो. यहाँ पे काफ़ी सारे मतलब अक्षरधाम के सोवेनर्स है, टी शर्ट्स है, पेन है, मूर्ति है, तो वो सब भी यहाँ पे मिल रहे हैं. एंड देन बाजू में ही उसके कैफ़े है. तो ऑफकोर्स इतना अगर आप घूमोगे, इतना बड़ा मंदिर अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं भूख तो लगेगी, तो कैफ़े में भी आ सकते हैं ऐसे.
ऑल राइट, सो डिनर डन और यहीं पे कैफे में कर लिया, बिकॉज ड्राइव बैक होम इज़ 1.5 आवर, तो इट वॉज सेंसिबल कि यहीं पे खाना खा लें और फिर निकले. रात को ये जगह थोड़ी और ब्यूटीफुल हो जाती है बिकॉज ऑफ ऑल द लाइटिंग एंड स्टफ, लेकिन अभी हम लोग को निकलना है. सो दैट विल बी इट फॉर दिस व्लॉग. आई होप आप लोग को अच्छा लगा हो ये व्लॉग. आई मीन आई ट्राइड माई बेस्ट टू यू नो कवर एवरी थिंग, टू शो यू गाइज, जो जितना पॉसिबल था उतना मैंने दिखाने का कोशिश किया. एंड अगर आप लोग न्यू जर्सी आ रहे हो तो मेक इट अ पॉइंट कि आप लोग अक्षरधाम आओ देखने के लिए. And with that said, I hope you guys like the video. अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, एंड डू कॉमेंट योर थॉट्स. आई सी यू गाइज इन द नेक्स्ट व्लॉग. तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय.